रसिया की रहने वाली एक महिला एक दिन एक दुकान से मांस कंगारू का मीट खरीदती है और घर पे लाके पकाती है और पका के अपने बच्चों समेत उसे खाती है। अब जब वो महिला उस मांस को खा रही होती है तो उसे उस मांस का स्वाद थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे लगता है कि शायद दुकान वाले ने मुझे पुराना या बासी मांस दे दिया। तो इस वजह से वो महिला उस मांस की टेस्ट कराने के लिए, उस मांस को चेक कराने के लिए पास के एक लैब में जाती है और एक डॉक्टर से चेक करवाती है, ताकि अगर ये बात प्रूफ हो कि जो मांस उस महिला को दिया गया वो मांस पुराना है, वो मांस बासी है, तो उस दुकान वाले के खिलाफ वो महिला कंप्लेन कर सके। अब जब वो महिला चेक कराती है और उस मांस को डॉक्टर साहब चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है, जो रिपोर्ट सामने आती है, उसे सुनने के बाद उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस जिस मांस को महिला कंगारू का मांस समझ रही थी, कंगारू का मीट समझ रही थी, वो कंगारू या फिर किसी जानवर का मांस ना होके इंसानों का मांस था। यानी जिस टुकड़े को पका के खाई थी, अपने बच्चों को खिलाई थी, दरअसल वो इंसानी मांस का टुकड़ा था। अब इतना सुनने के बाद उस महिला के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो महिला भागते हुए पुलिस थाने जाती है, वहां के रसिया के पुलिस स्टेशन जाती है और जाके उस दुकान वाले के खिलाफ, जहां से वो मांस खरीदी थी, उस दुकान वाले के खिलाफ, उस शॉपकीपर के खिलाफ कंप्लेन करती है कि इस आदमी ने मुझे इंसानी मांस का टुकड़ा खिला दिया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उस दुकान वाले के पास, उस आदमी के पास उसे पकड़ने के लिए उसके घर पे जाते हैं। और घर पे जाने के बाद जैसे ही दुकान वाले के घर में पुलिस पहला कदम रखती है, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब घर में एक कदम और आगे बढ़ सके। उसके बाद जैसे तैसे करके उस आदमी को पकड़ते हैं। उस पकड़ने के बाद जो कहानी निकल के सामने आती है, वो कहानी भी मानवता, इंसानियत, इन सबको झकझोरने वाली थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद, इस कहानी को जानने के बाद, अगर आप नॉनवेज खाते हैं या फिर मांस मछली मटन चिकन इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, तो शायद इस कहानी को सुनने के बाद एक आध हफ्ते तक तो आप नॉनवेज, ये सारी चीज़ें नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आज की कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक, इतनी ज़्यादा भयानक है। इसे सुनने के बाद जब मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो इसे सुनने के बाद मेरे भी हाथ पांव की तरह से कांपने लगे थे। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं, एक सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक ग्लास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की कहानी रसिया के एक ऐसे शहर की है जो रसिया की राजधानी मास्को से लगभग 800 किलोमीटर दूर एक नदी किनारे स्थित है। अब चूंकि ये शहर एक नदी किनारे है, तो जाहिर सी बात है कि शहर के लोग मांस मछली ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करेंगे, खासकर सी फूड या फिर ऐसी चीज़ें जो मांस या फिर ऐसी चीज़ों से संबंध रखता हो। ऐसे चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट्स वहाँ के लोगों को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। शहर काफ़ी खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ लोग अच्छे अच्छे एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, चारों तरफ खुशनुमा माहौल था, ज़्यादा क्राइम नहीं था। बस वहाँ सिर्फ एक चीज़ थी, थोड़ा सा नशा ज़्यादा था। बाकी वहाँ का जो माहौल था उस शहर का, वो काफ़ी खुशनुमा था, इस वजह से लोग बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें साल 1997 में अचानक से बदलने वाली थी, क्योंकि साल 1997 में एक महिला एक मीट के शॉप से कंगारू का मीट खरीदती है। अब खरीदने के बाद घर ले जाती, उसे साफ करती है, साफ करके उसे पकाती है, पका के जब अपने बच्चों समेत खाती है, तो उसके बच्चे कहते हैं कि माँ, ये जो आज का आपने मांस बनाया है, इसका स्वाद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा अलग, मतलब कंगारू जैसा नहीं लग रहा। अब माँ भी जब खाती है तो ये चीज़ें माँ भी ध्यान देती है कि हाँ, इसका मांस तो कंगारू जैसा नहीं है। तो माँ जब ये चीज़ देखती है, तो उसे लगता है कि शायद दुकान वाले ने, जो कसाई था, उसने शायद पुराना मांस दे दिया, फिर कुछ ऐसी चीज़ें दे दी, शायद ये कंगारू का मांस नहीं है, किसी और जानवर का मांस है, या तो ये मांस काफ़ी पुराना है। इस वजह से ये किस चीज़ का मांस है और कितने दिन पुराना है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो महिला पास के एक लेबोरेटरी में जाती है और जाके उस मांस को चेक करने के लिए डॉक्टर साहब को दे देती है और कहती है कि सर, इस मांस को चेक कीजिए कि ये कितने दिन पुराना है और किस जानवर का मांस है, क्योंकि ये कंगारू का मांस तो नहीं लग रहा। अब डॉक्टर साहब एक डेट दे देते हैं और कहते हैं कि आप इस तारीख को आइएगा, इतने बजे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब महिला जब रिपोर्ट लेने के लिए जाती है, तो जाने के बाद जब डॉक्टर साहब उसे रिपोर्ट बताते हैं,
तो उस रिपोर्ट को सुनने के बाद उस महिला के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब उस महिला को बताते हैं कि जिसे तुम कंगारू का मांस समझ रही थी, कंगारू का मीट समझ रही थी, दरअसल वो इंसानी मांस का टुकड़ा है। और इसमें जो ये ब्लड और ये सारे रेड रेड धब्बे देख रही हो, ये इंसानी खून है। अब महिला ये सारी चीज़ें जब सुनती है तो एक तरह से तो उसके होश फाकता हो जाते हैं कि मैं तो, यानी मैं जिस मांस को खुद और अपने बच्चों समेत खाई हूँ, ये मांस तो कंगारू का ना होकर इंसानी मीट है। अब इतना जानने के बाद उस महिला को बहुत तेज गुस्सा आता है कि एक आदमी ने उसे आदमी का मांस खिला दिया कंगारू का मीट बता के। अब वो महिला जब गुस्से में झुंझलाती है तो सीधा भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है और जाके उस कसाई के खिलाफ, जिससे इसने मांस लिया था, उस दुकान वाले के खिलाफ कंप्लेन करती है और कहती है कि एक आदमी है जिसने मुझे कंगारू का मांस बता के इंसानी मीट बेच दिया और मैं इंसानी मीट को अपने घर में ले जाके बना के खाई। अब पुलिस वाले ये जब वाकया सुनते हैं तो उनके लिए भी बेहद नई चीज़ थी कि एक आदमी कंगारू का मीट बता के इंसानी मांस बेच रहा है। और ऐसी चीज़ें रसिया जैसे देश में उसकी रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब कर सकती हैं। इस वजह से पुलिस फौरन हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद उस दुकानदार के बारे में पूछताछ करती है कि दुकानदार का, अब दुकान के पास जब जाया जाता है पता चलता है दुकानदार गायब है। अब जैसे तैसे करके पुलिस वाले उस आदमी के बारे में पता करते हैं, उसके घर के बारे में पता करते हैं और अपने तरीके से खोजबीन करके एक दो दिन में जब उस आदमी के, उस दुकानदार के घर पे जाते हैं तो घर का दरवाज़ा खोलते ही जो अंदर का नज़ारा था वो पुलिस वालों के हाथ पांव कपवा देता है। पुलिस वालों के अंदर इतनी सिहरन, इतना डर बैठ जाता है, इतनी घबराहट हो जाती है कि पुलिस वालों में हिम्मत नहीं होती कि उस घर के अंदर वो एंटर कर सके, उस घर के अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि अंदर इंसानी अंगों को अलग अलग काट के रखा गया था। जैसे आप किसी मछली मंडी में जाइए तो एक प्लास्टिक के बॉक्स में मछलियों को पैक करके उसके ऊपर बर्फ लगा के रखा जाता है, तो ठीक वैसे ही बॉक्सों में इंसानी मांस पकड़ पकड़ के, काट काट के, इंसानों को पकड़ के काट के रखा गया था। तब ये नज़ारा, ये सारी चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं तो एक तरह से तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उनकी हवा ख़राब हो जाती है कि ये किस आदमी का घर है, ये कैसा कसाई है जो इंसानों को पकड़ के काट रहा है और काट के बेच रहा है। ये सारी चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं और इधर अपने और साथियों को, अपने और अधिकारियों को बुलाते हैं और घर को चारों तरफ से घेर के उस आदमी को जब पकड़ते हैं और उस आदमी से जब पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुमने क्या इस इतने लोगों को कैसे मारा, क्या मारा, तो उस आदमी के चेहरे पे बिल्कुल भी, जब उस आदमी को पकड़ते हैं और सोचते हैं, पुलिस वालों को भी लगता है कि ये शायद अब ये घबराएगा, लेकिन उस आदमी के चेहरे पे ना कोई घबराहट थी, ना उसे ऐसा कोई लग रहा था कि उस आदमी ने कोई गलती की है। वो आदमी बेहद कॉन्फिडेंस में अपने बारे में सारी चीज़ें बताता है और जो कहानी निकल के सामने आई थी वो कहानी ये थी कि इस आदमी का नाम व्लादिमीर निकोलायेव था। व्लादिमीर का जन्म 16 मार्च 1959 रसिया के एक शहर में होता है। अब बचपन से इसका जो दिमाग था, ये पढ़ने लिखने में, ये सारी चीज़ों में इसका दिमाग बचपन से ही नहीं था, ये बचपन से ही नशे, शराब, बियर, स्मैक, गांजा, वीड्स, इन सारी चीज़ों में इसका दिमाग बचपन से ही लग जाता है। और इसी क्रम में ये घर पे अपने ज़्यादा रहता नहीं है, अपना घर वालों को छोड़ के एक अलग तरीके से अपने एक जगह घर बनाता है, उसी घर में कुछ दिन तक रहता है। रहने के बाद जब इसके पैसे ख़त्म होते हैं तो साल 1980 आते आते ये चोरी चकारी, इन सारी चीज़ों में लग जाता है। इसके खिलाफ़ कुछ कंप्लेंस भी होती हैं, कंप्लेंस होती है, ये जेल जाता, जेल से छूट के आता, लेकिन इसके खिलाफ़ कोई सीर ऐसा कोई गंभीर आरोप 1980 या फिर 1990 तक नहीं था। ये नशे पत्ते में रहता, दिन भर नशे करता, शराब पीता, ड्रग्स लेता और अपना खाने कमाने का जुगाड़ कहीं से करता और खा कमा के सो जाता, दिन भर का इसका यही रूटीन था। लेकिन साल 1997 में एक दिन जब ये शराब पी के अपने घर पे, अपने बिल्डिंग में आता है तो इसे गेट पे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी भी बेहद नशे में था, शराब वगैरह पिया हुआ था, ड्रग्स लिया हुआ था और वो आदमी व्लादिमीर से लाइटर मांगता है। अब व्लादिमीर को भी लगता है कि चलो लाइटर दे देते हैं कोई नशे वाला, वैसे भी आपको पता होगा कि नशे वाले एक दूसरे से संबंध बड़ा अच्छा बना लेते हैं। कोई खैनी खाता है तो उसे खैनी खाने वाले बड़े अच्छे लगेंगे, कोई सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट वाले बड़े अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही जब वो आदमी इससे सिगरेट मांग वो लाइटर मांगता है तो इसे लगता है चलो इसी बहाने एक सिगरेट मैं पी लूँगा और इस आदमी से थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। तो इसी क्रम में ये उसे लाइटर देता है उस आदमी को और बातचीत करने लगता है। लेकिन बातचीत करने के दौरान दोनों की बातचीत में थोड़ा सा अनबन होने लगता है, एक दूसरे से बातें सहमत नहीं हो रही थी, एक दूसरे की बातें एक दूसरे लोग काट रहे थे। तो इस वजह से
दोनों की जो व्लादिमीर को लगता है कि हमारी दोस्ती हो जाएगी, नशा करने के लिए एक नया पार्टनर मिल गया है, ये चीज़ होती नहीं, बल्कि उस आदमी से व्लादिमीर का झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने की वजह से वो आदमी गुस्से में व्लादिमीर को एक पंच, एक घूंसा इसके चेहरे पे मार देता है, और मारने के बाद व्लादिमीर गिर जाता है। अब व्लादिमीर जब गिरता है, इसे वो आदमी मार देता है, तो इसका जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पे जाता है। उसके बाद ये उठता है और वहीं पास में पड़े एक चीज़ से, शायद वो जो गैस आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र होता है, उस यंत्र से इस आदमी के, इस जिसने सिगरेट लाइटर मांगा था, उसके सर पे जोर से वार करता है। अब वार करने के बाद ये वार इतना जोर का था कि वो आदमी ऑन द स्पॉट गिरता है और मर जाता है। लेकिन व्लादिमीर को लगता है कि शायद ये आदमी बेहोश हो गया, अब मेरे हाथ से क्राइम हो गया, मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इस वजह से व्लादिमीर जो है वो घबराता है और उस आदमी को उठाता है और उठा के अपने रूम में ले जाने लगता है, सीढ़ियों पे घसीटता हुआ और कुछ दूर पीठ पे लाद के। सारे चीज़ जो करते हुए दाहिने बाएं देख रहा था कि कोई मुझे देख ना ले, जो कि देख लेगा तो मैं फंस जाऊंगा। उसके बाद उस आदमी को व्लादिमीर अपने रूम में लेके जाता है। अब ले जाने के बाद उस आदमी के ऊपर ठंडे पानी छींटे मारता है, ये सारी चीज़ें करता है कि शायद ये बेहोश हो गया तो होश में आ जाए। लेकिन घंटों भर प्रयास करने के बाद जब ये देखता है कि इस आदमी को होश नहीं आ रहा है, उसके बाद नब्ज़ वगैरह चेक करता है और जब पाता है कि ये आदमी मर गया, तो व्लादिमीर के दिमाग में बस एक चीज़ आती है कि अगर इस लाश को किसी ने देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी और शायद फांसी भी हो जाए। इस वजह से मुझे कैसे भी करके इस लाश को, इसकी आदमी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब वो तरह तरह के जुगाड़, तरह तरह की चीज़ें सोचने लगता है। सामने उसे कुछ आहट सुनाई देती है कि कोई आ रहा है। इस वजह से उस आदमी की लाश को व्लादिमीर अपने घर के बाथटब में, जो बाथरूम में बाथटब रखा था, उसमें ले जाके लिटा देता है। और फिर सोचता है कि अब इस लाश को मैं अकेला, पूरी पूरी लाश को तो मैं बाहर नहीं ले जा सकता, इसलिए मुझे इस लाश को अब काटना पड़ेगा। उसके बाद जब ये खौफनाक आइडिया व्लादिमीर के दिमाग में आता है, तो पास ही पड़ी एक गैरेज में जाता है, एक पास पड़ी वहाँ की यारी को उठाता है और लेके अपने रूम में भाग के आता है। उसके बाद उस लाश को व्लादिमीर काटने लगता है। अब काटने के दौरान जब वो हाथ पाँव एक गर्दने सारी चीज़ें काट देता है, और जब थाइज यानी कि जांघ की मांस को काटने लगता है, उस हड्डी को काटने लगता है, तभी उसके दिमाग में एक बहुत घिनौना सा आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इस मांस को मैं उबाल के खाऊं, इसका टेस्ट देखूं कैसा है। अच्छा, ताजुब की बात है, इससे पहले व्लादिमीर ये सारी चीज़ों को, इंसानी मांस के चीज़ों को खाने के बारे में कभी सोचा नहीं था। लेकिन उस दिन अचानक से व्लादिमीर के दिमाग में आता है कि क्यों ना इस मांस को मैं पका के खाऊं, उबाल के खाऊं। और इस वजह से पहली बार उस दिन व्लादिमीर उसके थाई के मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और काट के पानी में उबालने के लिए डाल देता है। और डालने के बाद जब आधे एक घंटे उबाल देता है, तो फिर उसे नमक और ये सारी चीज़ें लगा के खाता है। तो व्लादिमीर को उबले हुए मांस को, इंसानी मांस का जो स्वाद था, वो समझ नहीं आता, उसे कुछ खास लगता नहीं। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना अब इस मांस को मैं एक बार फ्राई करके खाऊं। इसके बाद व्लादिमीर उस आदमी के मांस को और छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और तवे पे बकायदे फ्राई करके खाता है। अब फ्राई करके खाने के बाद उसे वो जो इंसानी मांस था, उसका स्वाद बहुत अच्छा लग जाता है, और यहीं से उसे इंसानी मांस खाने की तलब लगती है। उसके बाद जिस आदमी को उसने मारा था, वो लगभग 80 से 90 किलो का आदमी था, उसे अपने ही घर में छोटे छोटे टुकड़ों में काट के फ्रीजर में रख के कई दिनों तक खाता है। उसके बाद जब इसे लगता है कि अब ये मांस मैं खा नहीं पाऊंगा, ये मांस बहुत ज़्यादा और ज़्यादा समय में हो सकता है ये खराब हो जाए, इसलिए ये लगभग 10 पाउंड यानी कि 5 से 6 किलो मांस ये पैक करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, मार्केट जाता है और वहां पे कंगारू का मांस बचा के इस आदमी के मांस को बेचता है। अब सोचिए, जो आदमी, जो महिला या फिर जो लोग इस आदमी से कंगारू का मांस समझ के खरीद के गए थे, वो दरअसल इंसानी मांस खरीद के जाते हैं और अपने घर पे पका के खाते हैं। अच्छा, इसके बाद भी इसकी दरिंदगी यहीं नहीं रुकती, अब इसे इंसानी मांस का चस्का लग गया था। उसके बाद ये एक और आदमी को मारता है और मारने के बाद ठीक उसके साथ भी यही करता है। और जब इंसानी मांस को फ्राई करता है और एक दो चार खास तरह की डिशेस बनाता है, तो डिशेस बनाने के बाद वो अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता है और उनको भी वो स्पेशल मांस, कंगारू का मीट समझ के बता के खिला देता है। अब सोचिए, वो दोस्त भी बेचारे जो इस पे भरोसा करके कंगारू की दावत उड़ाने आए थे, वो इसके चक्कर में वो भी इंसानी मांस को खा लेते हैं। और हद तो तब हो गई जब ये लगभग 1 से 2 किलो मांस अपने एक बहुत खास दोस्त को, उसकी वाइफ को जाके भेंट करता, कहता है कि भाभी आपके लिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ।
अब वो महिला बेचारी इसके ऊपर यकीन करती है, वो भी कंगारू का मांस समझ के, मोमोज में उस मांस को पैक करती है और मोमोज बना के अपने बच्चों को भी खिला देती है। यानी एक तरह से खुद के साथ साथ आसपास के सारे लोगों को नरभक्षी बना रहा था। उसके बाद फिर ये उस मां जो दूसरे आदमी को मारता है उसके भी मांस को पैक करता है, काटता है, टुकड़ों में काटता है और ले जाके बेच देता है। कुछ टुकड़े ये बेचता है, कुछ को ये बेचने की फिराक में था और इसी क्रम में वो डब्बों में पैक करके बाहर रखे हुआ था कि आज फिर जाके बेचूंगा। लेकिन जब वो दोबारा बेचता है और वो महिला जब खरीद के लेके जाती है, अब ले जाने के बाद जब बना के खाती है, तो महिला पहले भी कंगारू वगैरह ऐसी सारी चीज़ें खा चुकी थी, तो जब वो खाते तो उसे इस मांस का स्वाद बड़ा अजीब लगता है कि ये कौन सा मांस है। उसके बाद फिर वो लेबोरेटरी में जाती है, वो चेक करवाती है, उसके बाद पुलिस आती है, इसे पकड़ती है। अब पुलिस जब इसे लेके जाती है कोर्ट में, तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद अब ये इससे बड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत होगी। कोर्ट में जाने के बाद भी ये बड़ा हंसते हुए अपना इकबाल जुर्म करता और कहता है कि हाँ ऐसे काम तो मैं कर आया हूँ, और एक बड़ी अजीब सी बड़ी घिनौनी रिक्वेस्ट भी करता है जो सुन के शायद आपको भी अपने कानों पर यकीन ना हो। आदमी कहता है, व्लादिमीर पुलिस वालों से कहता है कि सर जो मेरे घर के बाहर मांस रखे थे मैंने, इंसानी मांस के टुकड़े रखे थे, आप मुझे खाने को दे दीजिए, क्योंकि आप तो उसका कोई उपयोग करेंगे नहीं तो बेचारे मांस बेकार हो जाएंगे, और किसी आदमी का मांस बेकार हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए आप मुझे अगर वो मांस दे देते तो मैं इसे खा लेता। अब ये बात जब व्लादिमीर भरी कोर्ट में बोलता है, जज साहब ये बात सुनते हैं तो जज साहब को लगता है कि अब इस आदमी को सजाए मौत से छोटी सजा देना पाप है, और इसी क्रम में साल 1999 में इसे सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन जैसे कि हमारे देश में होता है, जैसे हमारे देश में हो जाता है कि किसी को सजाए मौत मिली हो, और तो सजाए मौत उसे असल में देने में भी कई साल लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको गबी सिस्टर के बारे में सुनाया था कि 1999 से 2017 तक 17 साल तक तो उसे फांसी नहीं दी जा सकी, तो ठीक इसी क्रम में भी इसे 2 सालों तक सजाए मौत सजा पाने के बाद भी इसे सजा नहीं दी जा सकी। अब साल 1999 आ जाता है, और 1999 में इसके साथ एक अच्छी चीज़ होती है कि उस 1999 में रसिया में ये कानून बन जाता है कि अब यहाँ पे किसी को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। इस वजह से इसकी भी जो सजा थी वो सजा माफ कर दी जाती है और उम्र कैद में बदल दी जाती है, और उसके बाद इसे एक ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन, बहुत ही कुख्यात जेल है, जैसे हमारे देश की तिहाड़ जेल है, तो ऐसे ही ये ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन जो है ये बहुत कुख्यात जेल है वहाँ की। वहाँ पे ये मानना जाता है, ये सुनने में भी आया कि वहाँ पे दिन में भी जो लोग बाहर निकलते हैं उनके चेहरों पे कपड़े से ढक दिया जाता है, वहाँ पे एक से एक अपराधी, एक से एक दरिंदे रहते हैं। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि एक आदमी जो इंसानों को मांस के उनका मार के 35 लोगों को उसने मारा था, मार के अचार बना के बेचता था, उन लोगों को भी इसी जेल में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितने खौफनाक लोग ऐसी जेलों में रहते हैं। तो इसी जेल में इसे तब तक बंद रखा जाएगा जब तक व्लादिमीर की मौत नहीं हो जाएगी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी रसिया के आदमखोर की, जो खुद इंसानी मांस खाते हुए दूसरों को भी आदमखोर बना रहा था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप मुझे 1 ग्लास ग्लूकोज दे देते हैं और तबीयत, आपको भी लग रहा होगा कि तबीयत खराब है और वास्तव में खराब है, तो आपकी ग्लूकोज की ऐसी सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, वापस से कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।